नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क और उसके विभिन्न उपयोग तथा नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस लेक्चर में हम नेटवर्क के विभिन्न प्रकार तथा इंटरनेट सर्विसेज के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप नेटवर्क के विभिन्न प्रकार जैसे लैन, मैन और वैन को परिभाषित कर पाएंगे। आप इंटरनेट के बारे में जान पाएंगे। आप इंटरनेट सर्विसेज तथा उसकी उपयोगिता के बारे में जान पाएंगे। आप इंटरनेट से जुड़ने की विभिन्न तकनीकों का मूल्यांकन कर पाएंगे। आप वेब ब्राउजर के बारे में जान पाएंगे तथा आप सर्च इंजन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कर पाएंगे। आइए अब हम नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। चर्चा की शुरुआत हम लैन से करेंगे। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डे जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्रों को आवृत करता है। लैन की नोड्स को केबल या वायरलेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए रेडियो या अन्य सिग्नल की मदद से जोड़ा जाता है। लैन एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नियंत्रित होता है तथा लैन से जुड़ने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की अनुमति की आवश्यकता होती है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अधिकृत किया जाने पर उपयोगकर्ता लैन से जुड़े अधिकांश सॉफ्टवेयर, डेटा और पेरिफेरल डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। लैन के मुख्य उद्देश्य प्रिंटर और स्कैनर जैसे महंगे उपकरणों को सभी उपयोगकर्ताओं से साझा करना है। साथ ही यह इंट्रानेट और इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है। पब्लिक टेलीफोन एक्सचेंज जैसे PBX भी लैन का ही एक उदाहरण है जिसे कई व्यावसायिक संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लैन से जुड़ने के लिए सभी कंप्यूटर और डिवाइसेस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना अति आवश्यक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है। मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज और MacOS आदि नेटवर्किंग का समर्थन करते हैं। अगर लैन नेटवर्क को ध्यान से देखा जाए तो सर्विस के आधार पर दो अलग ऑपरेटिंग मोड हो सकते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच बिना किसी मुख्य कंप्यूटर के भी स्थापित किया जा सकता है। इस प्रणाली में सभी कनेक्शन की भूमिका एक समान होती है। वहीं दूसरी ओर क्लाइंट सर्वर व्यवस्था में एक मुख्य कंप्यूटर की व्यवस्था होती है जो बाकी सभी कंप्यूटर के बीच नेटवर्क सर्विसेस प्रदान करता है। नेटवर्क का दूसरा प्रकार मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। एक बड़े भूभाग पर स्थित कई लैन नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए मैन का प्रयोग किया जाता है। यह एरिया कई किलोमीटर बड़े भूभाग में फैला हो सकता है। मैन की सहायता से इस भूभाग के दो रिमोट कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैन कई सारे स्विच अथवा राउटर से बना नेटवर्क है जो आपस में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों से जुड़ा होता है। नेटवर्क का तीसरा प्रकार है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। जब भूभाग का क्षेत्रफल ज़्यादा हो तो ऐसे कंप्यूटर लिंक को जोड़ने के लिए वैन या वाइड एरिया नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। यह एक बड़े भूभाग के लैन नेटवर्क को जोड़ता है। बड़े कॉरपोरेट, निगम या बैंकिंग संस्थान एक विस्तृत क्षेत्र में नेटवर्क प्रणाली का उपयोग करके डेटा और सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, साथ ही अपनी शाखाओं में लेन देन भी कर सकते हैं। इस नेटवर्क में कनेक्शन स्पीड लागत पर निर्भर करती है। एरिया बढ़ने के साथ लागत बढ़ती है और स्पीड कम होती है। वैन राउटर की सहायता से ऑपरेट होता है जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे उचित रास्ता तय करता है। दुनिया का सबसे मशहूर और बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इंटरनेट, जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के नाम से भी जानते हैं, वस्तुतः बहुत सारे नेटवर्क को मिलाकर बना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर आपस में जुड़कर डेटा का आदान प्रदान करते हैं तथा विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। इन कार्यों को प्रभावी ढंग से संसाधित करने तथा डेटा विनिमयन के लिए इंटरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। TCP/IP प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है
जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। इनका उपयोग डेटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। इंटरनेट के नेटवर्क का दूरसंचार लिंक का संचालन एवं रखरखाव दुनिया के प्रमुख दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशिष्ट नंबर, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, से पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस के आधार पर ही डेटा को सोर्स या मूल कंप्यूटर से गंतव्य या डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक राउटर की सहायता से छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा कैसे जाता है। उपयोगकर्ता डायलअप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, लीज लाइन या अन्य अधिक परिष्कृत कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट का पूरा खर्च किसी को वहन नहीं करना पड़ता, बल्कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य के बदले प्रत्येक यूजर को अपने हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। इंटरनेट नेटवर्क से सभी छोटे तथा बड़े नेटवर्क से जुड़े होते हैं तथा इनको जोड़ने पर होने वाले खर्च की राशि कहाँ से आए यह निर्णय करता है। स्कूल, यूनिवर्सिटी और कंपनी अपने कनेक्शन का भुगतान क्षेत्रीय नेटवर्क को करती हैं तथा यह क्षेत्रीय नेटवर्क इस एक्सेस के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता को भुगतान करता है। वह कंपनी जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। किसी अन्य कंपनी की तरह इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी अपनी सेवाओं के लिए यूजर से पैसा लेती है। यूजर को इंटरनेट कनेक्शन लेने तथा इंटरनेट प्रयोग करने के लिए शुल्क आईएसपी को देना पड़ता है। आईएसपी कंपनी यूजर से समयावधि, दूरी, गति तथा डेटा डाउनलोड या अपलोड करने की मात्रा के अनुसार शुल्क लेती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम डायलअप इंटरनेट कनेक्शन की चर्चा करेंगे। डायलअप कनेक्शन एक अस्थायी कनेक्शन होता है जो अपने कंप्यूटर और आईएसपी सर्वर के बीच बनाया जाता है। डायलअप कनेक्शन मॉडेम का उपयोग करके बनाया जाता है, जो टेलीफोन लाइन का उपयोग आईएसपी सर्वर का नंबर डायल करने के लिए करता है। ऐसा कनेक्शन सस्ता होता है, परंतु इसकी स्पीड बहुत धीमी होती है। डायलअप कनेक्शन की अधिकतम गति 56 kbps या 56,000 बिट प्रति सेकंड है। अन्य इंटरनेट कनेक्शन डायलअप कनेक्शन की तुलना में अधिक डेटा ट्रांसफर गति प्रदान करते हैं। एक ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क 128K की डेटा ट्रांसफर गति प्रदान करता है। ADSL, SDSL और DSL लाइट सभी उच्च स्पीड इंटरनेट लिंक के प्रकार हैं, जिसे सम्मिलित रूप से डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। डायलअप कनेक्शन के मुकाबले इनकी डेटा ट्रांसफर गति 125 गुना ज़्यादा है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात अब हमें वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों, चलचित्रों, संगीत और अन्य जानकारियों को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग करने में प्रयुक्त होता है। वेब पेज HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखे जाते हैं तथा वेब ब्राउज़र उन HTML पेजों को उपभोक्ता के कंप्यूटर पर दर्शाता है। पर्सनल कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम आदि। आइए अब हम इंटरनेट पर मनचाही जानकारी को खोजने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्च इंजन की चर्चा करें। वेब सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी कीवर्ड को खोज करता है और इन कीवर्ड या फ्रेजेस से संबंधित परिणाम को सूचियों में प्रदर्शित करता है, जिन्हें सर्च इंजन रिजल्ट पेज या SERP कहते हैं। हर सर्च इंजन का सर्च करने का तरीका अलग होता है और हर एक का रिजल्ट उत्पन्न करने के लिए विभिन्न जटिल गणितीय सूत्र या एल्गोरिथम होता है। लेकिन सभी सर्च इंजन चार बुनियादी कार्य करते हैं। वे वेब पेज के कंटेंट को खोज करते हैं, जिसे क्रॉलिंग कहा जाता है। वे इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं और इनके वर्ड के आधार पर इंडेक्स बनाते हैं। वे
यूजर क्वेरी के आधार पर संबंधित पेजेस की एक लिस्ट बनाते हैं और खोज परिणामों के आधार पर वेब पेज की रैंकिंग करते हैं। सभी सर्च इंजन में किसी क्वेरी को सर्च करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। जब भी आप इंटरनेट से कोई जानकारी खोजना चाहते हैं तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं। इनके द्वारा आप अपनी मनपसंद जानकारी इंटरनेट पर सर्च करते हैं। पहला है कीवर्ड सर्च, दूसरा है डायरेक्टरी सर्च। कीवर्ड सर्च के द्वारा सर्च में हम जो सूचना सर्च इंजन में सर्च करना चाहते हैं उसे प्रदर्शित करने वाले खास शब्द जिसे हम कीवर्ड कहते हैं या शब्द समूह जिसे हम की फ्रेज कहते हैं को सर्च इंजन में डालते हैं। सर्च इंजन उस खास शब्द या शब्द समूह से संबंधित अपने डेटाबेस को क्रॉल करता है और हिट्स की एक सूची प्रदर्शित करता है जो उस खास शब्द या शब्द समूह से मेल रखती है। प्रत्येक हिट या साइट में संक्षिप्त विवरण सहित संबंधित वेब पेज या अन्य दस्तावेज जैसे फोटो, वीडियोस आदि की हाइपरलिंक होती है। सर्च इंजन किसी क्वेरी से संबंधित लाखों हिट्स प्रदर्शित करता है। सर्च इंजन में सर्च की गई क्वेरी से प्राप्त हिट्स को सर्च इंजन क्रमानुसार एक सूची में प्रदर्शित करता है। जिस हिट्स में सर्च किया गया खास शब्द की संभावना सबसे अधिक होती है उसे सबसे पहले प्रदर्शित किया जाता है। कीवर्ड सर्च के लिए गूगल तथा बिंग सर्च इंजन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इंटरनेट सर्च करने का दूसरा तरीका है डायरेक्टरी सर्च। लगभग प्रत्येक सर्च इंजन डायरेक्टरी सर्च का विकल्प उपलब्ध करवाते हैं। डायरेक्टरी सर्च के द्वारा सर्च इंजन की डायरेक्टरी में उपलब्ध विषय सूची, खेल, शिक्षा, विज्ञान, फिर उस विषय के उप विषय या सब सब्जेक्ट को चुनते हैं और इस तरह ये खोज तब तक जारी रहती है जब तक हमारे सामने इच्छित विषय से संबंधित वेबसाइट की सूची नहीं आ जाती। डायरेक्टरी सर्च के सबसे अधिक लोकप्रिय सर्च इंजन याहू है। आइए अब हम कुछ प्रमुख सर्च इंजन के बारे में चर्चा करें। गूगल। गूगल सर्च इंजन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। गूगल को सन 1957 में लॉन्च किया गया। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सैगरी ब्रेन है। बिंग। बिंग दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। बिंग को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। बिंग सर्च इंजन को सन 2009 में लॉन्च किया गया था। याहू सर्च। याहू सर्च इंजन दुनिया का तीसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। याहू सर्च इंजन को 1995 में लॉन्च किया गया था। यह काफी पुराना सर्च इंजन है। ask.com। ask.com एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है। यहाँ पर यूजर अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ask.com लगभग 20 वर्ष पुराना सर्च इंजन है। इसकी खास बात यह है कि ask.com सवालों के जवाब सर्च करती है और आप यहाँ कैटेगरी के हिसाब से अपना जवाब खोज सकते हैं। DuckDuckGo। DuckDuckGo को सन 2008 में लॉन्च किया गया था। DuckDuckGo अपने यूजर्स की गतिविधियों को ट्रैक नहीं करता, इसलिए DuckDuckGo सर्च इंजन के रिजल्ट सभी यूजर के लिए एक समान होते हैं। यह पर्सनलाइज रिजल्ट नहीं दिखाता। Dogpile। Dogpile एक मेटा सर्च इंजन है। यह अपने रिजल्ट को अन्य सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग आदि से सूचना लेकर दिखाता है। यह सर्च इंजन काफ़ी पुराना है। Dogpile को सन 1995 में लॉन्च किया गया था। अब तक की चर्चा में हमने जाना कि कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार हैं। हमने यह भी जाना कि इंटरनेट क्या है और तथा हम इंटरनेट से किस प्रकार जुड़ सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन के बारे में जाना। हमने वेब ब्राउजर की उपयोगिता के बारे में चर्चा की तथा हमने इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्च इंजन तथा उसके विभिन्न प्रकारों की विस्तारपूर्वक चर्चा की। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। धन्यवाद।